आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक शानदार किस्म का एयर ड्रॉप लेकर आया हूं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एमटी गॉक्स और कुछ अदर क्रिप्टो कॉइन्स के हवाले से। सबसे पहली चीज कि एमटी गॉक्स ने पे आउट देना है, उसकी वजह से तकरीबन सारी की सारी मार्केट जो है वो ही नीचे आई थी। पिछले 3 दिनों में मार्केट जो है वो काफी ज्यादा डिप की तरफ गई थी, मगर अब नजर आ रहा है कि हाँ भाई, बीटीसी अपनी पोजिशन को रीगेन कर रहा है। और जब जब BTC अपनी पोजीशन को रीगेन करता है, बाकी आल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा मूव करते हैं। खैर, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो भाई पिछले 1 घंटे में तो ज्यादा से ज्यादा जी कैश काफी ज्यादा ऊपर गया है, एवेक्स जो है उसने काफी ज्यादा पंप मारा है। खैर, अब हो क्या रहा है कि एक एक करके जो है कॉइन्स जो है पंप की तरफ जा रहे हैं, मगर उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों को अच्छा खासा फायदा इस दफा यानी कि इस बुल रन में मार्केट हमें देके जाए। उसके अलावा भाई LRC जो है काफी ज्यादा पंप हुआ है पिछले 24 घंटों में। इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं और इसके हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा। खैर, आज का जो मेजर हमारा टॉपिक है उसके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहली एक अच्छी न्यूज ये है कि भाई जैक डॉर्सी साहब ने और साथ ही साथ इलॉन मस्क साहब ने एक बात की थी काफी अर्सा पहले, जब इन लोगों की आपस में एक छोटी सी वो डिस्कशन थी। उस डिस्कशन के बाद एक जो बात सामने आई वो ये था कि भाई हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि भाई इस वक्त देखो यूनिस्वैप है, उसके अलावा बाकी जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक एवेक्स है, फैंटम स्कैन है, इस तरह के जितने भी हैं तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी लाइक पैनकेक स्वैप तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी अपने डेक्स प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं। खैर, अब यहां पे क्या है कि भाई BTC के हवाले से एक अच्छी चीज है कि BTC भी हम लोग डेक्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत जल्द खरीद पाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज साबित हो सकती है एंटायर मार्केट के लिए भी। और उसके अलावा अगर अगली न्यूज की तरफ चलें तो भाई अगली न्यूज बहुत ही शानदार किस्म की है, वो ये कि भाई मार्केट जो है बहुत जल्द अपनी प्राइस जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो भी रीगेन करेंगे और साथ ही साथ हम लोगों को BTC के अंदर भी एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। खैर, अगर हम लोग फिर से थोड़ी सी रिवीजन करें, रिवीजन से मुराद है कि अगर 2013 के चार्ट देखें और उसके बाद 2017 के चार्ट देखें और 2021 के चार्ट देखें तो खासे आपको ये सेम टू सेम ही लगेंगे। थोड़ा सा जो है वो मतलब डिफरेंट होंगे, ज्यादा नहीं डिफरेंट। तो उस हवाले से हाँ कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को मार्केट में एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। एनीवेज यार, फिर मैं वही बात करूंगा, अब मैं रोज के हिसाब से ऐसे वीडियोस बनाऊं कि भाई कि दिस आल्ट कॉइन आई एम गोइंग टू बाय और ये मिलियनेयर आल्ट कॉइन है, तो भाई मुझे गालियां ज्यादा पड़ेंगी। उसकी रीजन क्या है कि इस वक्त पैसे हम लोगों में से किसी के पास नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि सारा का सारा पैसा तो ऑलरेडी हम लोग मार्केट में लगा चुके हैं, तो इसलिए ये सोचना कि भाई मैं इस वक्त नए आल्ट कॉइंस को बाय करूं या अपने पुराने आल्ट कॉइंस को सेल आउट करके फिर जाके आल्ट कॉइंस को बाय करूं तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। CRO जिस तरह हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में CRO ने काफी ज्यादा पंप मारा, अभी तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हॉट ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा, मगर ये है कि पिछले काफी दिन जो है ये हॉट ट्रेंडिंग में आता रहा है, टॉप ट्रेंडिंग में। तो खैर, यहाँ पे भाई इसने 0.56 तक गया और उसके अलावा इसकी और भी काफी ज्यादा प्रेडिक्शन आ रही है। और मजे की चीज ये है CRO के हवाले से कि भाई ये आल्ट कॉइन जो है ये वाहिद आल्ट कॉइन है जो पिछले तकरीबन 4 साल से लगातार ये आल्ट कॉइन वाहिद है जिसने सबसे ज्यादा मार्केटिंग की CRO ने। खैर, हमारा टॉपिक इसके ऊपर नहीं है। सबसे पहले तो खैर मेरा ख्याल है हम लोग एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं। एयर ड्रॉप है जी बेसिकली वेम्पायर स्वैप का और यहाँ पे 1000 लोगों को ये आल्ट कॉइन मिलना है। अब आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो अपना FTM वॉलेट एड्रेस, अब FTM के हवाले से अगर आप लोगों को पता हो तो सिंपली हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मेटामास्क इस्तेमाल करते हो तो वही वाला आपका वॉलेट एड्रेस होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ FTM ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाओ। तो FTM स्कैन वॉलेट एड्रेस जो है उसको यहाँ पे एंटर करो। करने के बाद भाई दूसरा सवाल है कि भाई VAM की टोटल सप्लाई क्या है, तो भाई VAM की टोटल सप्लाई है ये लो जी 25 करोड़ इसकी जी मुकम्मल सप्लाई है VAM की, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इनको ज्वाइन मार लो हर तरफ से तो प्रोबेबली यू विल मेक सम अमाउंट विद द हेल्प ऑफ वेम्पायर स्वैप। अच्छा, ये एक स्वैप के तौर पे कॉइन काम करेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। आज के दिन में खत्म हो रहा है तो इसको जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, 20 तारीख है और 20 को ही इसने खत्म हो जाना है VAM ने। और टोटल प्राइस जो है वो यहां से आप लोग देख सकते हो $6,25,000 के VAM दे रहे हैं,
तो चलो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। मैं भी इसको अभी के अभी ज्वाइन करने लगा हूं, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन मार लो। आपको इसका लिंक मिलेगा हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप्स में। खैर, तो ये इसकी मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा इसकी वेबसाइट भी जाके आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने तमाम डिटेल बताई हुई है कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन अगर करते हो, और अगर आप लोग लकी विनर्स में आ जाते हो 1000 बंदों के अंदर अंदर, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ कॉइन्स जो है वो फ्री में मिल जाएंगे वेम्पायर स्वैप के। और मजे की चीज ये भी है वेम्पायर स्वैप की कि भाई ये कुछ बड़ी एक्सचेंजेस पे आ रहा है, सिर्फ डेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं आएगा। खैर आगे चलते हैं। तो आगे भाई, अब हमारे पास दो आल्ट कॉइंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले प्लैनेट सैंड बॉक्स। प्लैनेट सैंड बॉक्स अच्छा कॉइन भी है, माठा कॉइन भी है। अब उसकी रीजन समझो। अच्छा कॉइन किस तरह है कि भाई सप्लाई इसकी है 10 करोड़, मगर इस वक्त जो जो अपना मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 43 लाख के करीब करीब है। अच्छाई इसमें दूसरी जो उसका नुकसान है वो ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अभी तक पैन के एक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है, मजीद एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं आया। मगर साथ ही साथ जो एक बेहतरीन किस्म की चीज है इस प्लेटफॉर्म की, जिसके वाले से मुझे लग रहा है कि हाँ ये कॉइन फायदा देके जा सकता है इन नियर फ्यूचर, उसकी रीजन ये नहीं कि भाई इसका नाम सैंड बॉक्स है इसलिए, नहीं, इसकी रीजन ये है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा एनएफटीज के ऊपर। अब एनएफटीज, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कॉइन बेस वाले भाई साहब ने कहा कि भाई एनएफटीज जो है हमारे बहुत ज्यादा कमाल किस्म के साबित होंगे, तो अब एक दौर आने वाला है एनएफटीज का। साथ ही साथ उन्होंने एक और इंडिकेशन दिया कि एनएफटीज का मतलब कोई तस्वीर रखना, मतलब एक सिंपल मतलब कलेक्टिबल टाइप की कोई चीज रखना नहीं है, जबकि एनएफटीज का मतलब है कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो रखना। तो खैर प्लैनेट सैंड बॉक्स यानी कि पीएसबी आल्ट कॉइन जो है, इसकी मार्केट प्लेस में और साथ ही साथ जब हम लोग इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे हम लोगों को एक चीज नजर आती है कि डिफरेंट किस्म के हम लोगों को करेक्टर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये कॉइन एक पंप की तरफ जाएगा मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, यहां से इसी प्राइस से अगर ज्यादा बड़ी बात ना भी करें तो 7, 8 या 9 डॉलर तक ये कॉइन जा सकता है अनकरीब। खैर इस कॉइन पे नजर रखिएगा। साथ ही साथ दूसरा आल्ट कॉइन PBX। अब आप लोगों में से बहुत से दोस्त कहोगे यार ये तो पहले ही काफी ज्यादा पंप कर गया, सप्लाई काफी ज्यादा है और ज्यादा एक्सचेंजेस जो हैं वो भी आपके सामने मैं दिखा देता हूं, क्यू कॉइन और यूनी स्वैप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मौजूद है। खैर अब इस कॉइन के अंदर ऐसी क्या खास बात है, अब अगर आप लोग मार्केट को जाके चेक करते हैं ना सबसे पहले, तो यहां से मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूंगा। दोस्तों एक चीज को समझने की कोशिश करना कि इस वक्त सबसे ज्यादा कॉइन्स कौन कौन से पंप कर रहे हैं। Binance Coin, मैं उन कॉइन्स की बात कर रहा हूं जो कि एक अरसे से पंप की तरफ जा रहे हैं। Binance Coin, Solana, AVAX, उसके अलावा Terra Luna, उसके अलावा और अगर हम देखें Polygon, ठीक है। तो इन कॉइन्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि पेरीबॉस के अंदर नजर आ रही है, ये अपना पेरीबस के अंदर PBX के अंदर। सबसे पहली चीज कि ये जाके काम करने वाला है एक और आल्ट कॉइन की मेन ब्लॉक चेन के ऊपर, और उस कॉइन का नाम है कार्डानो। अब यहां से जब हम लोग जाके देख सकते हैं कि पेरिबस इंटीग्रेट्स विद मिल्कोमेडा और साथ ही साथ फॉर द कार्डानो माइग्रेशन। अब होने में क्या वाला है अब उसको समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा करता हूं बल्कि कोई कॉइन आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आसानी से आप लोगों को समझा भी सकूं कि भाई ये किस किस तरीके से होगा। खैर यूनिस्वैप में देखते हैं अगर ऑप्शन बिल्कुल जी मौजूद है, जिस तरह हमें ये एक चीज नजर आ रही है, यहां से हम लोग जाके देखते हैं आर्बिट्रम 1, सोरा, ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम, एक्सडाई। इसी तरह अब अगली ऑप्शन आने वाली है आडा यानी के कार्डानो स्कैन। अब ये चीज होने वाली है बहुत बड़ी, और यहां पे ये जो कॉइन है पीबीएक्स, अभी इसको बाय नहीं करना आप लोगों ने, आपने इसको बाय करना है जब ये दोबारा से भी डिप में जाता है, उस वक्त इस कॉइन के अंदर एंट्री मार लीजिएगा। अब ये जो आडा का जो सारा सिस्टम आ रहा है, जिस तरह आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि यानी कि एक ही आल्ट कॉइन 6-7 ब्लॉकचेन्स के ऊपर है, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह कि यूएसडीटी जब हम लोग किसी एक एक्सचेंज से सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस आती हैं, ERC-20, BSC-Scan, TRC-20, उसके अलावा सोल स्कैन। उसी तरह अडा कार्डानो जो है वो आप लोगों को इस ब्लॉकचेन्स में नजर आने वाला है। उस हवाले से ना सिर्फ तो है इस कॉइन को तो आप लोगों ने अभी बाय नहीं करना, थोड़े दिनों के बाद जब हमारे पास कोई पैसे पुसे आते हैं
यानी कि कोई ना कोई कॉइन हमारा ऊपर जाता है उस वक्त हम लोग इसके अंदर एंट्री ले लेंगे पीबीएक्स के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग एंट्री मार लेंगे भाई ये सैंड बॉक्स के अंदर भी। एनीवेज यहां पे हम लोगों को जो अच्छा पंप देखने को मिलेगा अन करीब वो दो कॉइन्स के अंदर मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे मिलेगा हम लोगों को एक, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसी प्राइस से हम लोगों को मिनिमम मिनिमम 6 to 7x लेके जा सकता है। यानी कि अगर हम इसको $2 भी अभी कंसिडर करें तो दो को आप लोग चेक कर लो तो कोई $14-15 तक आसानी से ये कॉइन चला जाएगा, कार्डानो कॉइन। दूसरे नंबर पे एक ऐसा कॉइन जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक हम लोगों को कार्डानो से ज्यादा फायदा देके जा सकता है, वो कोई और कॉइन नहीं है, वो है जी फैंटम। फैंटम जो है इसी प्राइस से, जो अभी प्राइस इस वक्त ऑन गोइंग है 2.20 अगर हम लोग लगा लेते हैं तो यार यहां से हम लोगों को मिनिमम मिनिमम भी ये कॉइन 10 to 12x देके जा सकता है अभी अभी। अब उसकी रीजन समझ लेना। सबसे पहली चीज ये है कि जिस तरह यूनी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, अब सबसे ज्यादा स्वैप जो इस वक्त बन रहे हैं वो है फैंटम वालों के, यानी कि फैंटम स्कैम की, यानी कि जितनी नई डेक्स एक्सचेंजेस आ रही हैं वहां पे फैंटम स्कैन के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है। ये चीज इस कॉइन को करने वाली है काफी ज्यादा पंप, और साथ ही साथ पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने में सबसे ज्यादा जिन आल्ट कॉइन्स ने प्रॉफिट दिया लोगों को, जिन्होंने सबसे ज्यादा आरओआई दी, वो है फैंटम स्कैन पे। तो खैर आज के हमारे दो मेजर कॉइन है कार्डानो और फैंटम स्कैन, आई एम सॉरी फैंटम। इन दोनों कॉइन्स को अगर आप लोगों के पास मौजूद है इनको होल्डिंग में रखो, इस बुल रन के अंदर आप लोगों को अमीर जरूर बना के जाएंगे। छोटे लो कैप आल्ट कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सैंड बॉक्स के अंदर हम लोग जल्द ही एंट्री मारेंगे, इसको एक दफा दोबारा से डिप में जाने दो, हम लोग इसमें एंट्री मारेंगे। और दूसरा आल्ट कॉइन पीबीएक्स के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि ये कॉइन काफी बड़े बड़े काम करने वाला है अनकरीब। कार्डानो मेन चेन के ऊपर आ रहा है और साथ ही साथ ये पहला आल्टकॉइन होगा, ऑलरेडी कुछ कॉइन्स मौजूद हैं मगर ये पहला आल्टकॉइन होगा जो कि ना सिर्फ कार्डानो की मेन चेन के ऊपर आएगा मगर कार्डानो को ही और साथ ही साथ कार्डानो को ही इस्तेमाल करेगा मुकम्मल ट्रांजेक्शन के लिए। वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया।